उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस ने बड़े असलाह तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से अवैध असलाह लाकर मिर्जापुर में सप्लाई करता था और हरौरा पुलिस ने इलाके के बरबकपुर मोड़ के पास से 15,000 के रुपए के इनामिया राजा बाबू, पप्पू कोल और दिनेश मोदनवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 32 बोर के 5 पिस्टल, 10 देसी तमंचा, 315 बोर और 3 अदद जिंदा कारतूस बरामद किए। ये अवैध असलहों में जो लोग डील करते हैं उनके खिलाफ लगातार हम लोग अभियान के रूप में कार्रवाई कर रहे हैं और इसी क्रम में आज थाना अरौरा की टीम द्वारा एक सफलता अर्जित की गई है, जिसमें कि 3 व्यक्ति जिनके पास से हम लोगों को 15 अवैध असलहे, जिसमें 5 पिस्टल 32 बोर की और 10 तमंचे 315 बोर के बरामद हुए हैं। इन तीनों व्यक्तियों का लंबा आपराधिक इतिहास है और तरह तरह के मुकदमे इन पर हैं, जैसे चोरी के, गौ तस्करी के, जुए के और अवैध असलहों में डील करने के। इनमें से एक व्यक्ति जो राजा बाबू बिंद है, वो पूर्व में भी गैंगस्टर एक्ट के तहत 15,000 रुपये का इनाम उसके ऊपर था, वो वांछित चल रहा था, तो इनके लिए लगातार हम लोग की टीमें लगी थी और उस क्रम में आज हम लोग को ये सफलता मिली है और एक बड़े गिरोह का हम लोगों ने। ये तस्करी कहाँ पे करते थे ये लोग? जिले में ये बाहर के बिहार से भी ले आते थे असलहों को और एडजॉइनिंग जिलों से भी ले आते थे, लोकल लेवल पे भी बेचते थे, अन्य जनपदों में भी बेचते थे और इनके